सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त और होस्ट जसवंत, और हमेशा की तरह स्वागत करता हूं आप सभी का गेमिंग विजय यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ॉम्बी समुराय को कैसे किल करें। हमारा फ्री फायर में एक नया मोड आया फाटल ब्लेड करके, तो उसमें ये जो ज़ॉम्बी समुराय जो आप सभी लोगों के सामने दिख रहा है, इसको हमें कैसे किल करना है। कई सारे लोगों को इसका एक ट्रिक है वो पता नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता है, तो जिनको पता है उनके लिए ये वीडियो नहीं है, वो ये वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, और देखना है तो देख भी सकते हैं, ठीक है, वो उनकी इच्छा है। और जिनको पता नहीं है, जो इसको किल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको पूरा वीडियो इसी पर है कि इसको किल कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहली बात, जैसे ही आप गेम में आ जाते हैं तो आपको 20 मिनट का समय दिया जाता है इसको किल करने के लिए, ठीक है। अभी आपको जो है 20 मिनट में से 4 मिनट में से आपको 4 मिनट का समय होता है कि आप इसको आराम से इसको किल कर सकते हो कुल 4 मिनट में, ठीक है। मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला था, तो उसमें मैंने 2 मिनट का बोला था, तो 2 मिनट तो लगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन 2 मिनट ऐसे भी लग जाते हैं थोड़े अलग से, कि थोड़ा मतलब 4 मिनट लगते हैं इसको किल करने में टोटली। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला, छोटा सा वीडियो है। तो देखिए जैसे ही हम गेम में आते हैं, मतलब ज़ॉम्बी समुराय जैसे ही हमारे सामने होता है, तो सबसे पहली बात, अगर आपको गेम जीतना है, आपको जो है अपनी खुद की स्क्वाड बना के जाना होगा गेम में, ठीक है। आपकी खुद की स्क्वाड होगी ताकि आप उनको लीड कर पाओ कि भाई हमें कैसे कैसे खेलना है। और अगर कि कोई स्क्वाड है भी नहीं, तो आपको जो है पूरा आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। कोशिश करो जितना भी गोली उसके मारो शरीर पे कम, हेड पे ज़्यादा मारो उसके गोली, ठीक है। हेड पे आप ज़्यादा मारोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अभी देखो आप, मेरा सबसे ज़्यादा डैमेज चल रहा है गेम में, ठीक है। मैं उसके पूरे के पूरे गोली हेड पे मार रहा हूँ, और मेरे स्क्वाड मेट है आकाश है, बलवंत भाई है, और एक मतलब रैंडम प्लेयर है। अगर आप दो प्लेयर भी साथ में हो और आप अपने एक टीममेट को भी लीड कर रहे हो, तो भाई आप आराम से इसको जीत जाओगे, ठीक है। रैंडम टीममेट के साथ भी जीत सकते हो, लेकिन आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो गाइस, अभी जो है आपको एक स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिख रहा होगा, उसमें एक टावर का फोटो दिखाया जा रहा है। ये जो टावर है, इसको आपको मेडिकेट करते रहना है, ठीक है। मतलब उसके नज़दीक जाओ, मेडिकेट का एक ऑप्शन आएगा, तो उस पर आप क्लिक कर देना, ठीक है। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो चलो यार, अभी देखो सामने एक टावर है सामने, तो ये जो टावर है जिसके पास आकाश खड़ा हुआ है, तो वहाँ पर उस टावर से जो लाइट है, वो लाइट जल रही है, वो लाइट बुझनी नहीं चाहिए, ठीक। अभी देखो एक कवच टाइप का बन गया उस टावर के अंदर। अभी जो ये बिजली मारता है, मतलब पूरे एरिया में एक बिजली मारता है ये समुराय है जो, ठीक है, ज़ॉम्बी समुराय। अभी देखो उसने बिजली मारी, हमारा जो टावर है वो जो है मतलब उसकी लाइट जो है बुझ गई। अभी मैं फिर से उसको मेडिकेट कर दूंगा, ठीक। मेडिकेट कर दिया, ये टावर की लाइट फिर से जलने लगी। अब जब भी ये ज़ॉम्बी समुराय बिजली पूरे ग्राउंड पे मारेगा, तब एक सुरक्षा कवच बन जाता है उस टावर के नज़दीक में, ठीक है। तो हमको सुरक्षा कवच के अंदर चले जाना है, ठीक है। एक समय ऐसा भी आता है कि ये जो ज़ॉम्बी समुराय है इन टावर्स को परमानेंटली ब्लॉक कर देता है, तो हमको जो है उसको ब्लॉक करने नहीं देना, मतलब वो ब्लॉक करेगा तभी उसको किल कर देना है, ठीक है। ब्लॉक अगर के उसने पूरे के पूरे टावर कर दिए और आपने उसको किल नहीं कर पाया, तब आपको फिर से रीस्टार्ट करना होगा। अभी देखो ये फिर से मतलब गुस्सा हो रहा है ज़ॉम्बी समुराय। मैं बाजू वाले टावर पे गया, उसके पास सुरक्षा कवच नहीं बना था, क्योंकि मैंने उसको मेडिकेट नहीं किया था। सामने था लेकिन मैं उसके अंदर नहीं जा पाया, और उसने जो है बिजली पूरे ज़मीन पर मार दी, और मैं यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पर जो है न्यू गन आया, और इसको मैंने मेडकिट कर दिया, इसकी मैंने लाइट जला दी इस टावर की। तो यहाँ पर जो है हमको जो है ये अच्छा गन नहीं मिला, तो मैं मरने का मैंने सोचा कि चलो यार मर जाते हैं, क्योंकि अच्छा गन नहीं था, मेरे को अच्छे गन चाहिए होते हैं। तो चलो यार अभी देखते हैं। तो अभी एक मिल चुका है, और एक थोड़ा सही गन है, तो चलते हैं। अभी जो है हमको इसको ख़त्म करना, तो अभी इसका लाइफ आप स्क्रीन पर देख रहे हो, पा रहा हो, X3 है, मतलब इसकी 3 बार और इसकी पूरी की पूरी लाइफ हमें खाली करनी है। तो अभी देखो ये हम लाइफ इसकी खाली करते जा रहे हैं। अभी जो है उसको फिर से गुस्सा आया, और उसने बिजली मारी, और जो है यहाँ पर टावर की लाइट बुझा दी। मैं फिर से मैंने टावर को मेडिकेट करके उसकी मैंने लाइट जला दी, ठीक है। आप उसके नज़दीक जाओगे तो आपकी भी लाइफ भरी जाएगी, और टावर की लाइट जो है जलती रहेगी। अभी देखो मेरे सामने ही आ रहा है, और उसके डेंजर एरिया में बिल्कुल दूर रहना उस डेंजर एरिया से। अगर आपको लगे कि भाई ये मेरे पास आने वाला है, तो तुरंत आप वहाँ से हट जाओ, ठीक है। अभी जो है देखो यहाँ पर जो है ये टावर से लाइट जल रही है। अभी देखो फिर से उसको जो गुस्सा आ रहा है, ठीक, गुस्सा आ रहा है, और वो बिजली मारेगा पूरे ग्राउंड पे। तो हम लोग जो मतलब इस सुरक्षा कवच के अंदर आ गए, ठीक। अभी बलवंत भाई बाहर इसलिए थे क्योंकि उनको दूसरी गन चाहिए थी, वो गन उनको पसंद नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर जो है देखो हम लोगों को है इन टावर के नज़दीक रहना है, सबसे बड़ी बात टावर के नज़दीक रहना है। और जैसे उसकी X2 लाइफ बचेगी, मतलब उसको 2 बार और उसका पूरा लाइफ ख़त्म करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, अभी वो जो है हमारी ये जो टावर्स है उनको परमानेंटली ब्लॉक करने वाला होता है। तो हमको क्या करना है, उसके सामने आके, जस्ट सामने आके, फिर वो आपको कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, आपकी लाइफ बिल्कुल कम नहीं होगी।
आपको उसके नजदीक आना है और आपको जो है उसके हेड पे गोली मारना है सीधा, मतलब हेड पे ही गोली मारना है और कहीं मत मारना गोली, शरीर पे मारोगे तो कम डैमेज पड़ेगा। देखो मैंने हेड लिया, सारे गोली हेड पे मारो, ठीक। अभी उसका लाइफ देखो कितना ज्यादा कम हो गया फ्रेंड्स। देखो अभी ऐसे आपको लाइफ कम कर देना, वो परमानेंटली ब्लॉक कर रहा है टावर्स को, ठीक। जैसे उसका X2 का लाइफ बचता है, मतलब दो बार उसका लाइफ पूरा खाली होना है, X2 का लाइफ बचेगा तो वो जो है क्या करने लगता है, टावर्स को ब्लॉक करने लगता है, उसकी लाइट हमेशा के लिए बुझाने लगता है, तभी हमको जो इसको किल कर देना। अभी देखो हम लोग जो इसके हेड ही हेड पे गोली मार रहे हैं, चारों बंदे जब एक साथ उसके हेड पे गोली मारेंगे तो ऑटोमेटिक जो समुरा है वो ऑटोमेटिक किल हो जाएगा, उसकी पूरी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। अगर उसने टावर्स को ब्लॉक कर दिया, मतलब परमानेंटली ब्लॉक कर दिया और आपने उसको किल नहीं कर पाया, तो उसको मारना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो होने वाला है प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद हम बनाएंगे Q&A वीडियो, ठीक है। Q&A वीडियो कई सारे लोग कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कम्युनिटी टैब में मैं एक पोस्ट डाल लूँगा तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हमको एक क्रेट मिलता है, क्रेट में देख लीजिए क्या मिला है। मास्क तो मेरे को पहले ही मिल चुका है, आप देख लीजिए, ये मास्क तो मेरे को पहले ही मिल चुका है, काफ़ी अमेजिंग और बहुत अच्छा लुक है यार इसका, तो मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा। तो ये मिल जाएगा आप सभी लोगों को फाटू ब्लेड मोड से, तो आपको खेलना पड़ेगा, ज़ॉम्बी समुराय को हराना पड़ेगा। जैसे आप ये सब करोगे तो आप जो है परफेक्टली आप ये मास्क ले सकते हो क्रेट से। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी लोगों के लिए लाता रहता हूँ। चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।